अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली से कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। इस नई दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी स्पेशल आप लोगों के लिए बीफ की कढ़ाई, वो भी अपने तरीके से। चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो वीडियो रेडी कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, एक अदर मैंने ये कढ़ाई, ये मट्टी का बर्तन लिया, मैं इसमें बना रही हूँ। आप लोग चाहो तो प्रेशर में बना सकते हो, अगर इंस्टेंट चाहिए तो। वैसे अगर मिट्टी के इसमें भी बनाएंगे तो ये जो है कम अज कम इसमें 45 मिनट तक जो है ना ये बीफ रेडी हो जाता है। चलिए बिना टाइम इसके वीडियो रेडी कर लेते हैं। एक अदर मैंने इस तरह मिट्टी का बर्तन ले लिया, इसमें डालूंगी सबसे पहले बीफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने इसमें सारा बीफ डाल लिया। इसमें पानी वगैरह भी नहीं मैंने कुछ भी ऐड किया। ये देखिए, अब इसमें डालूंगी मसाले जहां इसमें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर अदरक, 5-6 हरी मिर्चें और लहसुन अदरक की प्यूरी है, सबसे पहले ये इसमें ऐड करूंगी। अब डालूंगी इसमें मैं प्याज। जी फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 बड़ी प्याज ऐड कर दी है, देखिए कट कर दिए, रफली चॉप किया वैसे मैंने इसको। अब इसमें मैं जो है ड्राई मसाले जो है वो ऐड करूंगी 1 by 1। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टी स्पून जो है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 जो है ना मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँ, क्योंकि मेरे पास जो है 1.5 किलो से ज्यादा बीफ का गोश्त है तो मैं 1.5 डाला है। आप लोग अपने स्पाइसेस जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। अब डालूंगी इसमें मैं कुटी हुई जड़ा मिर्च, फिर 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी कुटी हुई जड़ा मिर्च मैं इसमें। अब इसमें डालूंगी ऑयल। फ्रेंड्स, इसमें डालूंगी 1 कप ऑयल, ये इनफ है। जी फ्रेंड, ये देखिए थोड़े से मैंने साबुत मसाले ऐड किए, इसमें मैंने धड़ा मिर्च डाली है और ये लौंग डाले हैं, काली मिर्च थोड़ी सी डाली है और थोड़े से मैंने जो है ना ये दालचीनी टुकड़े करके डाले हैं और इसमें डालूंगी 2 तेज पत्ते इस तरह तोड़ के। अब फ्रेंड, इसको मैं सिर्फ कवर करके रख दूंगी क्योंकि अभी मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड किया, प्याज का भी पानी निकलेगा, गोश्त का भी होगा, तो बस मैं इसको अब इस तरह कवर करके रख दूंगी। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए इस तरह बंद करके रखूंगी, उसके बाद वेट करते हैं इसके पकने का। जिस तरह ये रेडी होगी, ये थोड़ा सा इसको होगा दरमियान में, इसे 1 से 2 बार इसको हिला दूंगी अच्छी तरह ताकि जो है ना ये अच्छे से पक जाए। तो वक्फे वक्फे से फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। जी फ्रेंड जी, ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको ये जूम करके दिखाती हूँ इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, घी सारा बॉयल आ गया और ये देखिए मसाला बड़ा अच्छे से ग्रेवी हो गया। अब इसको सिर्फ 2 मिनट की भुनाई कर लेती हूँ फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके। ये देखिए इस तरह, अब इसको मैं 2 मिनट जरा पकने देती हूँ। प्लीज फ्रेंड्स, बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट किया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, इस तरह की ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर बेल को प्रेस कर दिया करें ताकि उसकी जो तमाम मैं वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले, ये बिल्कुल फ्री होता है। जी फ्रेंड, ये देखिए इस तरह, और ये फ्रेंड बहुत इंस्टेंट बनता है और बहुत जल्दी जो साधन है ना ये बड़ी जल्दी रेडी हो जाता है। ये देखिए, अभी को थोड़ा फ्लेम को हाई करके इसको थोड़ा सा पानी जो है मैं कोशिश कर लूँ क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, ये इसका अपना जाती पानी है, क्योंकि इसमें प्याज भी थे, टमाटर भी थे और गोश्त का अपना पानी था। तो अब इसको थोड़ा देर भुनाई होने देती हूँ। जी फ्रेंड, देखिए इसकी भुनाई स्टार्ट हो गई हुई है करनी, मुझे तकरीबन इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें और ये हरा धनिया, कुछ हरा धनिया मैं रखूंगी गार्निशिंग के लिए। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इसका तो खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। प्लीज फ्रेंड, बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना ऐड जरूर कीजिएगा। फ्रेंड जी, देखिए इसमें मैं सिर्फ चंद कतरे इसमें ना मैं ये देखिए लेमन स्क्वीज कर देती हूँ, सिर्फ इस, ये देखिए सिर्फ 1 लेमन छोटा मैंने इसमें स्क्वीज किया, इसके बीज निकाल के ना अच्छे से ही देखिए बस इतना सा। ये देखिए इस तरह, चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आप उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी फ्रेंड जी, देखें इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक, मैं आपको ये करीब से दिखा देती हूँ। और फ्रेंड, जिस कदर ये खूबसूरत लुक है, ये खाने में से इसका टेस्ट उतना भी ज़्यादा मज़े का है। प्लीज़ फ्रेंड, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसकी गार्निशिंग करूँ थोड़ी सी। जी फ्रेंड जी, देखें मैंने ये जो है प्याज के साथ इसकी ज़रा गार्निशिंग कर दी है ज़रा थोड़ी सी।
ये देख। चलिए फ्रेंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। फ्रेंड ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी ओके, अल्लाह हाफिज़।